वारिस, तुमने टाइम देखा है? दोपहर से तुम सना के साथ निकले हुए हो, ये कोई वक्त है वापस आने का? तो तुम्हें कोई एतराज है? हाँ, एतराज है फारिस। अगर तुम सना से मोहब्बत करते थे तो मुझसे क्यों निकाह किया? वालदेन के मजबूर करने पर और तुम्हारी मजलूमियत पर तरस खाकर भूल गई हो क्या हालात थे तुम्हारे? शौहर ने तलाक दे दी थी और तुम बेआसरा हमारे दर पर पड़ी थी। बजाय मेरा एहसान मानने के तुम मुझ पर ही चढ़ाई कर रही हो। फारिस, मैं बहुत थका हुआ हूं इस वक्त। तुम मजीद मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहां से। अरे मैं तो अपने सब बैग यहीं भूल गई। निम्रा, तुम यहाँ? तुम्हें पता है आज मुझे बड़ा ही मजा आया। हम लोग खाना खाने गए, फारिस ने मुझे शॉपिंग भी करवाई है। तुम देखना चाहोगी फारिस ने मुझे क्या लेके दिया है? देखो निम्रा, क्या हुआ? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। छोड़ो इसके मूड को, इसका मूड तो हर वक्त ही ऑफ रहता है। अच्छा चलो ठीक है। सुनो फारिस, बल्कि मैंने तुम्हें यह भी कहना था कि तुम मम्मी बुला रही हो, चलो आओ मेरे साथ। हाँ तुम चलो, निम्रा खाला से मिलने के लिए तो जा सकते हो ना, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा इस पे? इजाजत है, जाऊं? चलो। नजीरा, चाचा और चाची के साथ एमन और हारून भी आ रहे हैं। किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका कमरा अच्छी तरीके से सेट कर लिया था ना? जी जी निम्रा बीबी, मैंने सब कुछ कर दिया, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है। फारिस मियाँ, बहन के मैके आते ही तुमने इतना सारा खर्चा कर दिया। अरे भाई, अब तो वो आती ही रहेगी और खर्चा कराती रहेगी फारिस का। हाय मेरा बच्चा। अम्मी आ जाए, आ गए मेहमान। लो भाई तैयार हो जाओ, शाही सवारी आ गई, बाद अब खड़े हो जाओ। भाई ये बादशाह सलामत के दरबार में बाद अब मुझसे तो नहीं खड़ा हुआ जाता, आप ही लोग खड़े हो। सना चलो, हमें क्या पड़ी है इन लोगों की गुलामी करने की? हम क्यों खड़े हैं, नौकर थोड़ी हम। चलो अंदर आओ। आओ बेटा आओ, आओ। लो भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटे आओ, आओ मेहमान आ गए। सब ठीक तो था ना? आ गया। बस ठीक अम्मी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। याद किया ना मुझे? इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माय ब्यूटी, बहुत प्यारी। अल्लाह प्यारी चूड़ी मैंने तोले की है। अम्मी वो रहने दे, हारून ने लेकर दिया, खुद पसंद किए हैं। वो मेरी बच्ची का मैं कहती थी शहजादियों वाला नसीब है। आपने क्या बनाया खाने में? मैं बस घी। निम्रा तुम सो तो नहीं रही हो ना? अच्छा मुझे बताओ सुबह नाश्ते में क्या बनाए? एहतमाम तो करना होगा चाची, हारून तो काफी सादा नाश्ता करते हैं। हाँ भले सिरे से ना करें, लेकिन हमें तो मेजबानी दिखानी होगी ना, पहली दफा दामाद घर आया है। चाची वो नुज़ुत आंटी उनकी फैमिली कब तक है यहाँ? लो मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या किस्सा लेके बैठ गई हो? मुझे फारिस और सना की इतनी बेतकल्लफी पसंद नहीं है। हाँ तो तुम फारिस से कहो ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? वो ये तुम लोगों का आपस का मामला है। मेरे साथ जरा बावर्ची खाने में हाथ बटा लेना, मुझसे नहीं होगा इतना काम।
हारून आप जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्या आपको? जाहिर है नहीं आ रही, चभी तो रात के इस पैर बैठा हुआ हूं। कोशिश करें आ जाएगी नींद। उठ गई तुम? चलो अच्छा हुआ, नजीरा के साथ मिलकर ना नाश्ते की तैयारी करो। हारून को जल्दी उठने की आदत है ना। क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? चाची मुझे फारिस और सना की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन दोनों की बेतकल्लुफी पर तो मैं भी हैरान हूँ। वो आधी रात को दोनों लॉन में थे, पता नहीं कौन से मसले सुलझा रहे थे। दरअसल बेटा वो दोनों इकट्ठे एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं ना, यही तो मैं बात निम्रा को समझा रही थी, इतने में तो उठ कर आ गए। थोड़ा ध्यान करें, हम निम्रा के मैके वाले हैं, अगर इसे कोई तकलीफ कोई परेशानी हुई हम लोग आपसे बासपुर जरूर करेंगे। अल्लाह ना करे बेटा, हम भला निम्रा को क्यों कोई तकलीफ देंगे, मैंने तो इसे अपनी बेटी बना के रखा है। पूछ लो निम्रा से, क्यों निम्रा बताओ ना। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, मुझे पता है सुबह में चाय पीते हैं। थैंक यू, मैं एक कमरे में हूँ। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी की जिंदगी में कोई भी मुसीबत आई ना तो फिर देखना। और बात सुनो, फारिस तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा फर्ज बनता है उस पर नजर रखने की। और साथ ही नाश्ता भी बना लेना, हर रोज कोई ना कोई मसला लेके बैठी हुई होती है, मनहूस कहेंगी। आज तुम्हारी वजह से हारून का कितना मूड खराब हुआ है, और मैं तुम्हें समझा रही हूं आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना तुम। अरे ये क्या तुम अपनी मजलूमियत की शक्ल लेके सामने आ जाती हो। अरे वाह, आज तो बड़ा एहतमाम किया है, टेबल तो सजी हुई है। चलो इसी बहाने हमें भी दावत उड़ाने का मौका मिल गया, क्यों? खबरदार, ये टेबल दूल्हा दुल्हन के लिए सजाई गई है, पहले वो खाएंगे बाद में घर वाले। और बात सुनो, तुम जरा फारिस से ना दूर रहा करो, तुम्हारी माँ की तो आंखों की पट्टियां बंधी हुई है, इसे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। बेटा कोई तकलीफ मत करना। ईमन कुछ और चाहिए तो बता दो। नहीं थैंक यू निम्रा, वैसे हमारा नाश्ता तो कमरे में लगाना चाहिए था ना तुम्हें। बुलाया था आपने? जी आपको बुलाने की गुस्ताखी तो की है हमने। कैसी बातें करते हैं अब्बा, लगता है अपने बददिमाग दामाद का असर हो गया आप पे। अरे वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। जब इंसान इंसानियत से घिर कर कोई काम करता है ना तो उसके साथ कोई भी बात करना पसंद नहीं करता।
हारून ने तुम्हें खुद देखा है, सना के साथ 1 बजे रात के तुम गार्डन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी को अगर तुम्हारी वजह से कोई नुकसान पहुंचा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं निकलेगा, याद रखना। अरे हारून तो खुद कहता है कि वो निमरा का मैके वाला है। और तुम्हारे वो जो खालू खाला है ना, उनको मैं निकालने लगा हूँ बेटा, बहुत हो गया, बहुत रुक लिया उन्होंने, वो तो छुट्टी करे ना जाए यहाँ से। अब्बा देखें ऐसी बात ना करें। अच्छा मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सना की तरफ देखूंगा भी नहीं, उससे बात तक नहीं करूंगा। वाह मेरे बच्चे, यानी तुझे अभी भी उनका जाना कबूल नहीं है। वाह मेरे गयूर, शाबाश मेरे गैरतमंद बच्चे। 4 दिन शादी को हुए और तुम उनके घर में फसाद खड़ा करना चाहते हो? अरे कुछ तो अकल से काम लो तुम। तो किसने कहा था कि निमरा के महके में ऐमन की शादी करा दें, वो भी अपने से इतने बड़े ऊंचे लोगों में। अरे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी ऊंचे घर में जाए, हमने कोई अनोखा काम नहीं किया है। तू अपनी अकल से काम ले। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई की तो छुट्टी करवाता हूँ ना मैं, तो ढिटाई की इंतहा हो गई है, उनसे तो बात करता हूँ। अरे उन्हीं लोगों ने तो इसके देव दिमाग पे कब्जा किया हुआ है, जादू टोने करती है वो औरत मनहूस मारी। कोई बात नहीं, कब्जे छुड़वाने आते हैं मुझे। पता है तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, कैसे लोग हो तुम भाई। अरे मैं नहीं हूँ उसमें से, खबरदार जो मुझे आइंदा से ताने दिए तुमने। कहीं जा रहे हैं आप? मुझे बताओ तुमने घर फोन किया कि नहीं? घर नहीं, क्यों? दादी को कॉल करो, उनका हाल अहवाल पूछो। अच्छा भाई कर लेती हूँ कॉल, लगता है शिकायत लगाई है मेरी। किसी ने शिकायत नहीं लगाई, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा हूँ। और अगर लगाई भी होती तो आपने मुझे बड़ा बताना था। खैर मैं पूछ रही थी कि आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मैंने सोचा यहाँ आया हूँ तो फैक्ट्री विजिट कर लूँ, देखो कितना काम हो चुका है कितना बाकी है। चलें फिर मैं भी साथ चलती हूँ, बोर हो रही थी यहाँ। बस 5 मिनट मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। तुम ठीक तो हो? तो बस ठीक हूँ ना, ऐसे थोड़ी जाऊंगी, मालकिन हूँ फैक्ट्री की, थोड़ी सी स्पेशल तैयारी तो जरूरी है। 5 मिनट है, मैं वेट कर रहा हूँ। पापा है भाई, पता तो चलना चाहिए। माल कहना है निमरा? आप क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं है, आप ठीक हैं? सब ठीक है निमरा? तुम खुश नहीं हो, मुझे बताओ मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, सब मेरा यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। लगता है तुम भी उसी तरह खुश हो जिस तरह मैं खुश हूँ। क्या मतलब, सब ठीक है क्या हुआ? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ना ख्याल रखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे हम सब तुम्हारे साथ हैं। किचन में काम है।
कैसी लग रही थी आज मैं? अच्छी लग रही थी। सिर्फ अच्छी लग रही थी? बैटरी पे देखा तो सब कितना इंप्रेस हो रहे थे। जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही थी। तारीफ भी नहीं करनी आती आपको तुम्हारा। हेमंत, हम थोड़ी देर खामोश रह सकते हैं? तुम्हारे सामने इतना इम्पोर्टेंट विजिट करके वापस आ रहा हूँ, जहन में बहुत सी चीजें चल रही हैं, मुझे कुछ सोचने दो। जब आप मेरे साथ होते हैं ना, तो सिर्फ मुझे सोचा करें। पारिस, निम्रा के पास तुम्हें यूं छोड़ के जाना, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा बिल्कुल भी। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब, पारिस तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ रह के क्या करोगे? नहीं सना, अम्मी अब्बा बहुत नाराज़ हो रहे हैं मुझ पर, मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर अम्मा अब्बा का इतना ही डर था तो मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ा? देखो, तुम्हारे साथ तो मरते दम तक रिश्ता निभाऊंगा सना, हालात तो साजगार होने दो। देखो सना, हवा का रुख पहचान कर चलना ही अकलमंदी होती है। तुम्हारी इस बुस्तरी से ना मैं फारिस तंग आ गई हूँ। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो फिर इतना डरने की क्या जरूरत है? सब कुछ मेरे हाथ में जरूर है, लेकिन मैं एकदम से नजरें नहीं फेर सकता यार। मैं अपने पेरेंट्स को नाराज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कुछ ऐसी चाल सोच रहा हूँ कि काम भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ना मूड तो ठीक करो सना, चलो आओ कहीं बाहर खाने चलते हैं कुछ। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ, हम बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा ना नहीं जाना। तुम जा रही हो। अबे यार, अब तो मेरा कर्जा चुका दे, 6 महीने से तेरी मिनते कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है तू नहीं मैं तेरा मकरूज हूँ। अरे कितना लालची इंसान है तू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुझे वापस कर दूंगा, इतनी सी बात है और तुझे समझ ही नहीं आ रही है। जब देखो पैसे दे दे, पैसे दे दे, अरे दे दूंगा। अरे अरे ये तो वो है, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरा रकीब है। कौन है? इधर आ, वो देख। कर ये है किसके साथ? ये अपनी वाली तो नहीं है। क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुन, तो एक काम कर, तू ना अपनी शक्ल गुम कर, और हाँ जब पैसे होंगे तो मैं तुझे दे दूंगा, तू जा अभी। लगता है मामला कुछ सीरियस है। अरे जो भी मामला हो, तेरे पेट में मरोड़ क्यों पड़े हैं? मैंने कहा ना तू निकल, और हाँ मैं कह रहा हूँ जब पैसे होंगे दे दूंगा, जा निकल। अच्छा, जल्दी करना थोड़ा। हाँ हाँ, स्टाइल बता रहा है, मामला गड़बड़ है, धोखा हो रहा है मेरी निम्रा के साथ। हम कल तुम्हारी अम्मी और अब्बा के रवैये की वजह से वापस जा रहे हैं। भाई उन्होंने तो माथे पे आंखें रख ली हैं। मुझसे सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, आखिर मेरी कोई जगह है उस घर में? तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग घर जाओ, मैं भी एक दो रोज में कराची जा रहा हूँ। क्यों, एमन के ससुराल जा रहे हो? नहीं, मैं कराची अपना जाती घर खरीदने जा रहा हूँ, मिसेस फारिस। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कराची में रहेंगे अपने जाती घर में।
नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना फारिस, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, ऐसे करो मुझे। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मजा तो अब आएगा। एमन, तुम इतनी जल्दी जा रही हो, कुछ दिन तो रुकती तो? कैसे रुक जाऊं मम्मी, घर भी तो संभालना है, हारून के पास भी वक्त नहीं होता, वरना रुक जाती। फिर कब आओगी? बस हालात जरा काबू में आ जाए ना मम्मी, चक्कर लगाऊंगी। पर आपने अब जरूर आना है। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। वैसे अमन एक बात कहूँ, हारून बहुत अच्छा बच्चा है। कह तो ठीक रही हैं आप, बिल्कुल आज़ादी दी हुई है उसने मुझे, किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं करते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं जी। मैं ऐसा ही दामाद चाहती थी और अल्लाह ने मुझे दे दिया, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। लो भाई, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े पैक कर दिए, क्या याद करोगी? सब खैरियत? कल हम वापस जा रहे हैं। जी, चाची ने मुझे बताया था। अपना बहुत ख्याल रखना। यहाँ रहकर महसूस किया है कि तुम अपनों में रहते हुए भी बिल्कुल अकेले हो, और उसको तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं जमशेद अंकल से बात करूं। प्लीज ऐसा कुछ मत करें, और एमिन से भी जिक्र ना करें, उन्हें लगेगा कि मैंने फारिस की शिकायत की है। कि निम्रा, प्लीज आप एमिन को खुश रखें, उसका ख्याल रखें, ये मेरे लिए काफी है। परवीन, नीचे से भी अच्छी तरह करो सफाई। जी परवीन। जी मम्मी। तुमने हारून का कमरा अपनी निगरानी में साफ करवाया है ना? जी मम्मी, मैंने साफ करवा लिया, एक दफा आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूंगी। कुछ भी कर लो, बहू बेगम को कुछ पसंद नहीं आने वाला, बड़े नखरे करती हैं। जी परवीन, तुम्हारी जुबान से आइंदा दुल्हन के लिए अल्फाज ना सुनूंगी, समझी? तुम माफ कर दे अम्मा जान। जामी, तुम सारा सामान लेकर आए हो, कोई किसी चीज की कमी तो नहीं है? जी सब ले आया हूँ, आप चेक कर लें। नोमी, अपनी निगरानी में लाए हो ना सारा सामान? जी अम्मी। अब जल्दी से जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अजरा बेटा, जरा खाने में इत्तमाम कर लेना, आज मेरा बच्चा आ रहा है। जी अम्मा, आप बेफिक्र रहें, उसकी मर्जी की सारी चीजें बनवाई हैं। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे, आमीन। अच्छा जरा फोन करके तो मालूम करो कहाँ रह गया वो, कहाँ पर है अभी? उसका तो एमन और कितना मेकअप करोगी? अरे क्या हो गया आपको? आप नहीं जानते रीति रिवाजों के बारे में? नई नवेली दुल्हन हूं, इतना सादा सा चलेगी तो सारे माइंड करेंगे। पप्पू की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारून, तो रिश्तेदार नहीं जान छोड़ते।
जी पप्पो, बस हम थोड़ी देर में घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हेमंत ठीक है? जी जी पास ही है, मैं बात करवाता हूँ आपकी। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? मैं बिजी हूँ, अभी उतर ही तो जा रहे हैं, जाकर बात करो। सॉरी पप्पो, हेमंत जरा बिजी है, हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं ना, फिर बात होती है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बस खैरियत से तुम लोग घर आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। बस दो मिनट। और कैसी हो बेटा? बस मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको याद किया मैंने बहुत। अरे भाई तुम लोगों के बगैर भी ये घर घर ही नहीं लग रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, तुम दोनों घर से क्या गए, घर से रौनक ही साथ ले गए थे। और सुनाओ घर में सब ठीक ठाक हैं? निम्रा कैसी है? निम्रा बहुत खुश है, मजे में बिल्कुल। चले मैं रेस्ट करती हूँ जाके। अरे बेटा खाना लगने वाला है, खाना खाकर रेस्ट कर लेना। आप लोग खा लें खाना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी रास्ते में तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक सर में दर्द कैसे शुरू हो गया? हारून ये कैसा सवाल है? जब कोई तकलीफ होती है या दर्द होता है तो अचानक से ही होता है ना, बताकर थोड़ी होता है। और सुनाओ बेटा सब ठीक रहा? सब ठीक रहा, अब मजीद बुरा क्या हो सकता है। निम्रा कैसी है? ठीक थी बस। क्या मतलब? बाद में बात करेंगे। अब फरीन तुम कैसी हो? और नोमी का नजर नहीं आ रहा। नोमी ने एकेडमी ज्वाइन कर लिए, स्कूल से डायरेक्ट आके वहीं चला जाता है। उसके एग्जाम्स होने वाले ना, वो बहुत मेहनत कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। भाई आपकी निम्रा से बात हुई, वो कब आएगी मिलने हमसे? नहीं, उससे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला मुझे। हारून आप क्यों? मेरे बैग्स रखवा दें प्लीज रूम में। मैं जामी से कह के रखवाता हूँ। और यहाँ कब तक बैठना है आपने? मतलब आप भी फ्रेश हो जाए ना, ऊपर रूम में आ जाए। मैंने परवीन से कहकर चाय भी बनवाई है, बस 5 मिनट में हमारे रूम में ही आ रही है। आ जाए। जाओ बेटा। तेरे अब्बा तुझसे बहुत खफा है, सुधर जाओ वरना वो बहुत बुरा पेश आएंगे तुम्हारे साथ। क्यों, अब मैंने उनकी शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी? गुस्ताखी? हमारी मेहरबानी से तुम दौलतमंद बन तो गए हो, एक के बाद एक नाफरमानी किए जा रहे हो और कह रहे हो मैंने कौन सी गुस्ताखी की है। अरे एक की हो तो बताओ ना तुम्हें। अपनी मर्जी की लाइफ स्टाइल जीना मेरा हक है और ये हक आप लोग मुझसे छीन नहीं सकते। हक के बच्चे ये मत भूलो, तुम्हारी बहन निम्रा के रिश्तेदारों में ब्याही गई है, अगर उन्हें जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तुम्हारी कार्रवाइयों की,
तो तुम्हारी बहन की जिंदगी अजीर्ण हो जाएगी। ये अच्छी मुसीबत है। संभल कर चलो, हारून को तुम पर और सना पर शक हो चुका है। शक तो मुझे भी निम्रा और हारून पर है। नहीं फारिस, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैंने ही एमन का रिश्ता करवाने के लिए निम्रा पे जोर डाला था, और मैंने तो खुद देखा है उन दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, हम सब की बेहतरी इसी में है कि तुम संभल कर चलो। अगर निम्रा ने अपनी नानी से शिकायत लगा दी ना, तो तुम अच्छी तरह जानते हो वो कितने जोरावर लोग हैं। जो पैसे तुमने दबाए हुए हैं ना, सब तुमसे ले लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये अजीब मुसीबत है। आपको ये रिश्ता इतने बड़े लोगों में करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी हरकतों का मुझे पता होता ना, तो मैं ये रिश्ता हरगिज ना करती। लेकिन खुदा के लिए तुम मेरी बात गौर से सुनो और इस पर अमल भी करो। सुन रहे हो मेरी बात? वरना सड़क पर आ जाओगे। सुन रहा हूं। मेरी ना किस्मत ही खराब है। तौबा है भाई, इस घर का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। भाई जिसके इतने एहसान हो, उसका बंदा तो हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखे, लेकिन यहां किसी को एहसास ही नहीं है। और आपकी ये जो फुप्पो जान है, गई हुई है सुबह से नौरीन के घर गाड़ी लेकर, वापसी का कोई अता पता ही नहीं है। फिर तुम्हें किस बात पर एतराज है? नहीं मतलब, वो छोटी गाड़ी भी तो लेकर जा सकती थी, उसके घर ही जा रही थी ना। लेकिन नहीं, उन्होंने भी बड़ी गाड़ी लेकर जानी है। बस शो ऑफ करना था उनके इन-लॉज के सामने, और कोई बात नहीं है। ऐसे जैसे उनकी जाती गाड़ी हो। उनकी जाती गाड़ी ही तो है हारून, ये आपका सादापन और दरिया दिली है बस, और आपकी सखावत का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं आपके सारे रिश्तेदार। और मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है। आइंदा ऐसी बात मुझसे कभी मत करना। ऐसी बात है ना, तो आपको चाहिए ये गाड़ी फिर मेरे नाम कर दें। फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। काम करने दोगी तो मेहरबानी होगी। हाँ हाँ कीजिए, आप काम कीजिए, मैं भला आपको रोक सकती हूँ? दिन रात मेहनत कीजिए, और जो मेरे हिस्से का वक्त है ना, वो भी इस ऑफिस को दे दीजिएगा आप। और इस सबसे फिर जितनी कमाई होगी ना, वो सब गैरों में बांट दीजिएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है।